हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वह है ऑपरेशन सहायता को लेके। क्वेश्चन यह कि ऑपरेशन सहायता न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है? तो देखो, जो ऑपरेशन सहायता है ना, ये मैं आपको बता दूँ कि मेडागास्कर जो आइलैंड है ना, मतलब इंडियन ओशियन में, वहाँ पे बेसिकली एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था इदाई साइक्लोन। तो उस दौरान इंडिया के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट है या सहायता प्रोवाइड करेगी है, वो था ऑपरेशन सहायता। तो ये ऑपरेशन हम बात करें तो एक तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा कि इदाई साइक्लोन की सहायता के लिए इंडिया ने चलाया था। कहाँ पे आया था? मेडागास्कर वाले रीजन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेके। पहला स्टेटमेंट यह है कि एक स्टेचुरी और क्योशी जुडिशियल बॉडी है। सेकेंड स्टेटमेंट यह है कि यह प्रेस का एक वॉच डॉग के तौर पर काम करते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट ये कहा गया है यहाँ पे कि जो PCI यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो डिसीजन होते हैं ना, वो फाइनल होते हैं और इनके खिलाफ कोई भी अपील वगैरह है वो कोर्ट में नहीं की जा सकती। और हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जिसका काम क्या है, जो प्रेस वगैरह होती है, जैसे हम बात करें न्यूज़पेपर वगैरह की प्रेस होगी या फिर और जो मीडिया वगैरह होगी, इन सबको रेगुलेट करने का काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अभी यह न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि देखो, लोकसभा की इलेक्शन है, उनकी डेट आ चुकी है, तो भी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी दौरान कि भाई कोई भी पार्टी का, मतलब एक तरीके से ज़्यादा सपोर्ट ना हो, उसके ज़्यादा न्यूट्रल रहनी चाहिए प्रेस है, इसको लेके भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई थी, तो यह भी न्यूज़ में है। तो तीसरा फैक्ट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि इसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, इसके खिलाफ कोई भी कोर्ट वगैरह में मतलब अपील वगैरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कन्नूर रिजर्व फॉरेस्ट को लेके। जो कन्नूर रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है? तो देखो, जो कन्नूर रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये है बेसिकली तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है ILO। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेटमेंट यह है कि एक UN की एजेंसी है जो कि लेबर कंडीशन होती हैं और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए काम है वो करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सेकेंड स्टेटमेंट यह है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO है, इसको 1919 में बनाया गया था। किसके बाद? वर्सैल की संधि या वर्सैल की ट्रीटी के बाद, जो कि लीग ऑफ नेशन के दौरान बनाई गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया था 2015 में। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, आप एक बार तीसरा स्टेटमेंट डायरेक्ट देखिए कि नोबेल पीस प्राइज, हमें पता है कि अभी भाई रिसेंटली तो ILO को कोई नोबेल पीस प्राइज है वो नहीं दिया गया। ILO को नोबेल पीस प्राइज है वो मिला था आई थिंक 1967 या 1969 के समथिंग मिला था, अभी नहीं मिला हुआ, या फिर 1964 के समथिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला और दूसरा दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी कि फर्स्ट एंड सेकंड है वो सही है, थर्ड यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, जो आज के आर्टिकल में कुछ एक्सरसाइज देखते हैं यहाँ पे। देखो, ये जो भी न्यूज़ में थी वो एक्सरसाइज को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, तो एक बार हम देखते हैं। ट्रॉपिक्स जो एक्सरसाइज है ना, वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर इस एक्सरसाइज को है वो करते हैं, ट्रॉपिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स है वो इंडिया और सिंगापुर, मतलब यहाँ पे सिंगापुर है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में नेवी एक्सरसाइज है। और यहाँ पे फिर है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स है वो इंडिया और श्रीलंका नेवी के बीच में होती है। फिर यहाँ पे वरुणा। वरुणा जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज है, वो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम बात करें, एक है द आयरन फेस्ट। देखो, आयरन फेस्ट, द आयरन फेस्ट है ना, वो इंडियन एयरफोर्स की पहली डे नाइट एक्सरसाइज है। मतलब ये एक्सरसाइज है वो दिन और रात में आयोजित लगातार की गई थी, और ये हुई थी राजस्थान के पोकरण में, जहाँ पे आपको पता है परमाणु परीक्षण किया गया था इंडिया के द्वारा, उसी रीजन में द आयरन फेस्ट है एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई थी। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, रात और दिन दोनों के टाइम पे यह कंडक्ट है वो की गई थी। नॉर्मली जो एक्सरसाइज है वो दिन में ही कंडक्ट की जाती हैं। इंदिरा जो एक्सरसाइज है ना, वो देखो रशिया के साथ होती है इंडिया की। अभी इसमें आगे नाम चेंज हो सकता है आगे, ये आप ध्यान रखना। जब भी एग्जाम में आपके सामने इंदर नाम आ जाए ना, इंदर से रिलेटेड कुछ भी हो, तो वो बेसिकली रशिया के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है। तो जो इंदिरा एक्सरसाइज है नॉर्मली वो इंडिया और रशिया के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है अल नगा है वो इंडिया और ओमान की आर्मी एक्सरसाइज है। सूर्य किरण है वो इंडिया और जापान की आर्मी एक्सरसाइज है। और मालाबार किसकी है? मालाबार है USA प्लस इंडिया प्लस जापान के बीच में शामिल हो गया है, और इंडिया, USA, जापान इन तीनों की एक नेवी एक्सरसाइज है।
पहले इसमें यूएसए और इंडिया ही थे केवल, बाद में अभी कुछ टाइम पहले इसमें जापान भी इंक्लूड हो गया। तो मालाबार एक्साइज भी आपको ध्यान में रखने की, भाई किस किस के बीच में है। अब कुछ थोड़े एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स को लेके, और एक था डीपीएसपी को लेके। देखो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, वो एक नेगेटिव लिबर्टी होती है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है ना, वो स्टेट के ऊपर, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, स्टेट के ऊपर रोक लगाते हैं कि वो ऐसा ना करें। क्योंकि देखो नॉर्मली हमें, हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स हैं वो दी हैं, बट आपको पता है कि स्टेट इनको रोकने की कोशिश करता है। और इसीलिए जो फंडामेंटल राइट है ना, वो नेगेटिव लिबर्टी है जो कि स्टेट के ऊपर रोक लगाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। स्टेट के मतलब स्टेट की जो मनमर्जी है, इसको रोकने के लिए हमें फंडामेंटल राइट हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें आपको यूपीएससी क्वेश्चन वगैरह में पूछ सकती है, काफ़ी टेस्ट सीरीज में भी इस तरीके के स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट है वो एक नेगेटिव लिबर्टी है, वो जो डीपीएसपी है ना वो पॉजिटिव लिबर्टी है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी है वो स्टेट को पावर देते हैं कि आप जैसे कि समाज की भलाई के लिए ये कर सकते हो, आप समाज की भलाई के लोगों की जमीन है उसको अधिग्रहित कर सकते हो। मतलब डीपीएसपी है वो स्टेट को पावर देते हैं एक तरीके से। और जो फंडामेंटल राइट है वो जनता को पावर देते हैं कि भाई आप है वो अपने राइट है, अपना जो अधिकार है वो आप मांग सकते हो, आपका ये अधिकार बनता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो वो आप थोड़ा कहीं ध्यान में रखना। इसी के साथ ही भी एक आर्टिकल आया था 2-3 दिन पहले, वो आया था केशवानंद भारती केस को लेके। देखो केशवानंद भारती है केस है वो केरला गवर्नमेंट और केशवानंद के बीच में हुआ था। ये हुआ था 1973 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये है। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस में बेसिकली ये कहा गया था कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना संविधान की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब संविधान का जो मेन ढांचा है, मेन जो कंकाल तंत्र है ना, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। बाकी आप फंडामेंटल राइट में जो चेंजेस कर रहे हो वो चल सकते हैं, बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वर्ड फोकस है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें आप कोई भी मनमर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ये सही रहनी चाहिए। इसके बाद में आप इसमें अमेंडमेंट है वो कर सकते हो। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेके। अभी देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल भी हैं। तो पहली बात तो ये कि भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस क्यों गए कि, ये देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो बेसिकली जो इलेक्शन के दौरान जो पार्टी को फंडिंग दी जाती है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि कोई भी इलीगल या जो ब्लैक मनी हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो वो पार्टी को फंडिंग में ना मिल सके, इसके लिए प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रोसीजर में होता क्या है कि जैसे मान लो कि मुझे किसी भी पार्टी को फंडिंग देनी है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे फंडिंग देनी है तो मुझे किसी बैंक से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने होंगे, फिर वो उस पार्टी को देने होंगे, तो वो पैसे उस पार्टी के अकाउंट में चले जाएंगे। मतलब मैं कहीं से इधर उधर से जो ब्लैक मनी वगैरह का पैसा है वो मैं डायरेक्टली पार्टियों को नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कि अभी लिमिट लगा दी गई है कि भाई अगर आप नॉर्मली कैश में किसी पार्टी को चंदा दे रहे हो तो 2000 तक का ही आप कैश है वो दे सकते हो। इससे ज़्यादा की अगर अमाउंट आपको देनी है तो आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में देनी होती है। देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ना वो कोई भी पर्सन खरीद सकता है इंडिया का, और जो कि पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग दे सकता है। ये बेसिकली 1000 के मल्टीपल में होते हैं, जैसे 1000, 10000, 5000, 2000, इस तरीके से 1,00,000, 1 करोड़, आगे कितने भी हो सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो इम्पोर्टेंट है। देखो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, एक तो वो इंडिया का जो सिटीजन है वो खरीद सकता है, इसी के साथ ही इंडिया के जो राइट्स हैं उनको फॉलो करते हुए ये बेसिकली बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसे किसी भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी खरीद सकता है इलेक्ट्रोल, या फिर कई लोग ग्रुप में भी खरीद सकते हैं, या फिर कोई कंपनी है वो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती है। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये फंडिंग का पैसा मिलेगा किसको। देखो जो फंडिंग दी जाती है इसमें वो फंडिंग केवल और केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी आज कोई पार्टी बना लूँ तुरंत और फिर मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग ले लूँ, नहीं, मेरी पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और इसी के साथ ही जो पिछले साल या इससे पहले जो भी इलेक्शन हुए हैं उनमें, या तो लोकसभा के इलेक्शन हुए तो लोकसभा में एटलीस्ट मेरे को टोटल वोट है इनका 1% वोट मिलना चाहिए, या फिर अगर स्टेट में वोट हुए हैं स्टेट असेंबली वगैरह के तो वहाँ पे भी मेरे को कम से कम 1% वोट मिलने चाहिए। मतलब वो पार्टी जिसने पिछले इलेक्शनों में कम से कम 1% वोट हासिल की है, रजिस्टर्ड है, उन्हीं पार्टियों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा वो मिल सकता है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसके बारे में स्टेटमेंट को देखे आपको कंफ्यूज है वो कर सकती है। बाकी प्रोसीजर क्या है कि जैसे किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदना है तो वो बैंक से जाके नोटिफिकेशन, मतलब बैंक से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदेगा, इसके बाद बैंक उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो इश्यू कर देगा किसी बॉन्ड टाइप का, फिर उस बॉन्ड की टाइम पीरियड होती है 15 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो फिर जिस भी पर्सन ने वो बॉन्ड खरीदा है वो किसी के हाथ भी या खुद भी जाके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पेपर एक तरह बॉन्ड दे सकता है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाके उन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकती है। ये मेनली सिंपल सी मैकेनिज्म यहाँ पे है, दो आप में ध्यान में रखना कि भाई इसका मोटो क्या क्या है, क्यों है, बनाया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। देखो जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कंटेक्स्ट को।
यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड यानी कि USOF है, वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक फंड है। इस फंड का यूज जब वो होता है हमारे देश में रूरल एरिया में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड लगाना है या फिर और भी किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना है कनेक्टिविटी के लिए, तो वो पैसा आता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इस फंड में पैसा आएगा कहाँ से। इस फंड में देखो जो पैसा है ना वो आता है टेलीकॉम सेक्टर पे, गवर्नमेंट है वो लेवी लगाती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट हर साल स्पेक्ट्रम वगैरह सेल करती है इन कंपनियों को, जैसे कि एयरटेल हुआ, BSNL वगैरह इन सबको, और इनके ऊपर कुछ ना कुछ लेवी या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। जिस तरीके से सरचार्ज के बारे में हम जानते हैं, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स होता है एक तरीके का, उसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, और जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उस पैसे का यूज है वो किया जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। इसी के साथ हम एक आर्टिकल हो यहाँ पे, वो है रेलटेल। रेलटेल है ना वो देखो इंडिया की एक मणिरत्ना कंपनी है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ ही यह इंडिया की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, ऐसी नहीं कि इंडिया की सबसे बड़ी नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक न्यूट्रल टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, जिसका काम क्या है ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेटवर्क है, हम बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाने का, मतलब इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली कंपनी है वो काम करती है। अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये आया है कि रेलटेल है ना इसने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का यूज़ करते हुए हमारे देश के लगभग 1600 रेलवे स्टेशन है वहाँ पे फ्री वाईफाई कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये बेसिकली कंटेक्स्ट यहाँ पे आया है। और जो 16वां स्टेशन है ना वो मुंबई का सांता क्रूज जो रेलवे स्टेशन है उसको बनाया गया, तो उसको लेके भी न्यूज़ आई है। तो हमें पता होना चाहिए कि रेलटेल क्या है और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है क्लाउड हनीपॉट्स को लेके। क्या है क्लाउड हनीपॉट्स, पहले हम वो डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं कंटेक्स्ट। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया हनीपॉट्स, हनीपॉट है क्या वो देखते हैं। देखो नॉर्मली जैसे कि कोई भी पर्सन हो, मान लो कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई भी एप्लीकेशन बनाया, मैं मान लो कि मोबाइल का कोई एप्लीकेशन बनाया, तो जब मैं उस एप्लीकेशन को बना लूँ इसके बाद मुझे उसकी टेस्टिंग तो करनी होती है कि भाई इसमें कोई कमियाँ वगैरह तो नहीं है, ये प्रॉपर काम करेगा नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि मैं जो ही इसको लोगों के लिए लॉन्च करूँ या मतलब प्लेटफॉर्म पर लोगों को मिले और वो इसीलिए इससे प्रॉब्लम फेस करने लग जाएं, इसमें जो भी कमी है वो मुझे पता चल जाए। तो इसलिए पहले मैं इसका क्या करूँगा, एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम तैयार करूँगा कि जहाँ पर मैं इसकी कमियाँ निकाल सकूँ कि भाई इस एप्लीकेशन में ये कमी है। तो एक तरीके से जो हनीपॉट है ना वो एक तरीके का मैकेनिज्म या एक सुरक्षा प्रणाली होती है जो कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी आपका एप्लीकेशन है ना इसको चेक करने के लिए बनाया जाता है कि भाई इस एप्लीकेशन में कोई खामियां वगैरह तो नहीं है, ताकि उनको ठीक किया जा सके, ताकि लोग बाद में यूज़ करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए तो नॉर्मली इसका यूज़ है वो किया जाता है। अब देखो होता क्या है, इससे कई बार कुछ हैकर वगैरह होते हैं, ये मान लो कि कोई भी एक वेबसाइट है, अभी हम एग्जाम्पल लें कि UPSC की साइट है, उसको अगर हैक करने की कोशिश करते हैं, तो अगर उन्होंने जो ही हैक करने की कोशिश की अगर हनीपॉट्स के थ्रू, तो जो UPSC की साइट मैनेज करती है हमारे देश की NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, उसको पता लग सकता है कि भाई कोई ना कोई साइट को एक्सेस करने के इसके साथ छेड़खानी कर रहा है, तो फिर NIC इसके लिए सिक्योरिटी एक्शंस वगैरह ले सकती है। कुछ इस तरीके की है मैकेनिज्म होती है। तो ध्यान में रखना है कि हनीपॉट है वो एक तरीके की सुरक्षा या सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह हो उसके अंदर जो भी खामियां हो उनका पता लगाने के लिए कोशिश करती है, ताकि कोई भी इलीगल या अनऑथोराइज पर्सन है वो उनको एक्सेस ना कर सके। तो नॉर्मली जो हैकर वगैरह है वो इसका यूज है वो करते हैं। अभी किसी को कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया की एक IT सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है सोफास, इस कंपनी ने भी ये बोला, इसकी एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है साइबर अटैक ऑन क्लाउड हनीपॉट्स। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई इंडिया का जो सोफास कंपनी का सर्वर है ना इसके ऊपर काफ़ी सारे हैकर्स वगैरह ने अटैक वगैरह किया है, तो उसको लेकर न्यूज़ आई है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हनीपॉट है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट देखो जो कुछ स्टॉक मार्केट जो एक्सचेंज है ना इनके इंडेक्स के बारे में कई बार UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछे, तो इनका थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो हम इंडिया से शुरुआत करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसका इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, इसके साथ ही इंडिया का एक और है जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसका नाम है निफ्टी। आपने दोनों का नाम सुना होगा काफ़ी बार न्यूज़ में, सेंसेक्स और निफ्टी, क्या आज निफ्टी ऊपर चल रहा है नीचे वगैरह वगैरह इस तरीके से। जर्मनी का है उसका नाम है यहाँ पे डेक्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस ये इंडेक्स UPSC की बार मिस द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लेती है। जर्मनी का क्या है, डेक्स है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, यहाँ पे ASX है। ब्राज़ील का क्या है, IBOV है। और कनाडा का क्या है, कनाडा का ज़्यादा देखो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट एक बार फिर भी देखना न्यूज़ में, यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं तो हांगकांग का इम्पोर्टेंट है, हांगकांग का वो है यहाँ पे हेंग सेंग। चाइना का क्या है, SSE। UK का क्या है, यहाँ पे FTSE।
और जापान का क्या है, निक्की है। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है, जापान का निक्की है। यूएसए का क्या है, यूएसए के मेनली दो हैं, एक तो है यहाँ पे एनवाईएससी कंपोजिट और एक है यहाँ पे एनएसडीएक्यू। तो ये यूपीएससी कई बार पूछ लेते हैं, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अभी न्यूज़ में चल रहे हैं तो हमें थोड़ा पता हो एक बार तो हम आराम से एलिमिनेट वगैरह एग्जाम में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।